तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी बैंक स्टेटमेंट को एडिट कर देते हो तो एडिट करने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, एंड क्या आपको उस बेस पे, उस बैंक स्टेटमेंट के बेस पे आपको क्या कहीं किसी एप्लीकेशन से या किसी बैंक से लोन मिल सकता है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी होती है, और अगर आपको किसी कंपनी से सैलरी क्रेडिट हो रहा है तो वहाँ पे कंपनी का नाम होता है, राइट। तो वहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी दिखेगा, कंपनी का नाम दिखेगा, एंड इसके बाद क्या होता है कि अगर आप उस बैंक स्टेटमेंट को एडिट करते हो और आप किसी को भेजते हो तो नॉर्मली इस कंपनी उसको फाइंड आउट नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर वो डीपली चेक करेंगे, अगर मान लो आपका पीएफ नहीं है और इसके बाद में आपने प्रॉपर सैलरी स्लिप सबमिट नहीं करी है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका बैंक स्टेटमेंट डीपली चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका पकड़ा जा सकता है। बट यहाँ पे कंपनीज 2-4-5 या मैक्सिमम 10% के केस में आपका बैंक स्टेटमेंट क्रॉस वेरीफाई करते हैं। हो सकता है वो आपको बोलेंगे कि आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके दिखाओ, या हो सकता है कोई एक बंदा वहाँ पे आएगा, वो आपके साथ जाएगा, बोलेगा आप बैंक चलो, बैंक विजिट करो और वहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तो उस केस में हो सकता है वो क्रॉस वेरीफाई हो जाए और क्रॉस चेक कर लें। बट मोस्ट ऑफ द केस में ये कंपनी चेक नहीं करती हैं, रिस्की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी भी तरीके का बैंक स्टेटमेंट एडिट ना करें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, एंड उनके पास पोर्टल्स के एक्सेस होते हैं, आप वहाँ से आपके डेटाबेस से डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप बैंक स्टेटमेंट अगर एडिट करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आईडी लिखी होती है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। इनकेस अगर आप चेंज करते हो तो मतलब किसी पर्टिकुलर एक बैंक का जिसका आप एडिट कर रहे हो उस बैंक के डेटाबेस सर्वर को आपने हैक कर लिया, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मली। तो पर्टिकुलर आकर अगर आप ट्रांजेक्शन एडिट करते हो तो उस केस में प्रॉब्लम होती है। अभी मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन में बैंक स्टेटमेंट एडिट करके अपलोड करते हो तो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको इजीली लोन मिल जाता है, 10,000, 20,000, 50,000 या अप टू 1 लाख तक का आपको इजीली लोन मिल जाता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि वो बैंक स्टेटमेंट एडिट किया उसके बिहाफ पे मिला, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप पैन कार्ड और आधार कार्ड उस एप्लीकेशन में डालते हो तो आपका वो सिविल स्कोर फेच कर लेते हैं आपके पैन कार्ड से, एंड पैन कार्ड से वो पूरी डिटेल आपकी देख लेते हैं कि लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर में टोटल कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो उससे मिलता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक स्टेटमेंट एडिट कर दिया और उससे आपको लोन मिल गया किसी एप्लीकेशन से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको वो पैन कार्ड के थ्रू आपका लोन वहाँ पे प्रोसेस होता है। बाकी अगर आप बैंक के पास जाते हो, बैंक में किसी भी तरीके का स्टेटमेंट एडिट करके उनको सबमिट करते हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ से वो लोन डिनाइड हो जाएगा। यानी कि कोई भी बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट एडिट करने के बाद आपको लोन नहीं देने वाला, कोई भी बैंक, और ये इलीगल भी है। अगर इन केस आप पकड़े जाते हो तो हो सकता है वो कंपनी या वो बैंक या वो एप्लीकेशन जो ऑन करता है उसको, वो आपके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।